हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी बाय संदीप रोहिला। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, देखिए आज हम अपनी क्लास की जो सीरीज है, हमारी सीरीज रहेगी आज की क्लास एट की। क्लास एट के अंदर हम एनसीईआरटी मैथ को डिस्कस करेंगे। तो एनसीईआरटी का जो हमारा मैथ है एट्थ क्लास का, उसको डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर एट को, जो हमारा चैप्टर एट है उसको डिस्कस किया जाएगा। इंट्रोडक्शन बताया जाएगा आपको चैप्टर एट का, चैप्टर एट के अंदर क्या है क्या नहीं है। तो इसमें हम अपना सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर मत भूलिएगा, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए लेट ना करते हुए, टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर देखिए हमारा क्या होगा, रेशो की बात करेंगे, जो हमने पीछे भी पढ़ा था पिछली क्लास में। आप टर्म वन में पढ़ के आए हैं, चैप्टर सेवन तक आप पढ़ के आए हैं। अब हमारा जो ये चला हुआ है सेशन, अब टर्म टू का सेशन आप पढ़ेंगे। अब तो टर्म टू के अंदर हम स्टार्टिंग करने जा रहे हैं हमारी चैप्टर एट की। तो इसके अंदर क्या है कि रेशो रखा होगा हमारा, परसेंटेज होगी एंड SICI। तो ये मेन चार टॉपिक हैं जो हमें चैप्टर एट के अंदर रीड करने हैं। तो रेशो क्या होता है, सबसे पहले तो ये बात करते हैं कि रेशो है क्या। तो रेशो के अंदर हम क्या होगा, जैसे हमारे पास ये रखा होगा कि नंबर ऑफ गर्ल्स आर 32 एंड नंबर ऑफ बॉयज दे रखे हैं 40। तो हमें ये बताना है कि फाइंड रेशो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, यानी कि बॉयज रेशो गर्ल्स हमें फाइंड करना है। जो भी पहले दिया होगा यहाँ पर, जैसे बॉयज दिया हुआ है तो यहाँ पर स्टार्टिंग में बॉयज लेंगे, अगर गर्ल्स दिया गया है तो यहाँ पर गर्ल्स आगे लेंगे। तो अभी बॉयज हमारा स्टार्टिंग में दिया गया है। अब ये टोटल कैंडिडेट है हमारे गर्ल्स 32 और बॉयज हैं 40। तो बॉयज के 40 हैं तो यहाँ पर 40 लिखेंगे रेशो, अगर गर्ल्स के 32 हैं तो 32 लिखेंगे। तो ये हमारा रेशो आ चुका है बॉयज एंड गर्ल्स का, तो इसको हम रेशो बोलते हैं। अगर हम इसको काटना चाहें तो काट भी सकते हैं, इसको काट देंगे हम 4 से, इसको 4 से, इसको दोबारा से 2 से कटेगा 5 और 4। तो जो बॉयज और गर्ल्स का रेशो होगा हमारा वो 5:4 में आ जाएगा। तो ये हमारा छोटा सा जो कंसेप्ट है रेशो का, ऐसे ही हमें रेशो को फाइंड करना है, रेशो निकालना है। अब अगर बात करें हम परसेंटेज की, तो परसेंटेज में क्या होगा हमारा, तो परसेंटेज देखिए, परसेंटेज के अंदर हमारा ये दिया होगा कि 20% 30% ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज। अगर मैं ये मान लूँ कि टोटल कैंडिडेट क्लास के अंदर हमारे 100 हैं, उनमें से 20% तो बॉयज हैं और मेरे को गर्ल्स फाइंड करनी है कि गर्ल्स कितने परसेंट हैं इस क्लास के अंदर। तो ये परसेंटेज के अंदर निकाल लेंगे हम, 20% बॉयज दे रखा है, टोटल 100 कैंडिडेट हैं। अगर मैं 100 का 20% निकाल देता हूँ, 100 का 20% निकाल देता हूँ तो 20 तो यहाँ पर बॉयज हैं। अगर 20 बॉयज हैं, अब 20% बोल दिया बॉयज का, तो गर्ल्स कितनी बच गई यहाँ पर 80%। तो 80% यानी कि 100 का 80% यहाँ पर निकाल देंगे तो 80 हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स हो जाएंगी। तो ये कंसेप्ट है छोटा सा परसेंटेज का, जो हम पिछली क्लास में भी, पिछले सेवन्थ क्लास में भी रीड करके आए हैं। तो परसेंटेज का ये कंसेप्ट है। उसके बाद रेशो में ये बोल देगा कि रेशो को इसके साथ रिलेट कर देगा, ये बोल देगा कि 3:4 में है गर्ल्स और बॉयज का, गर्ल्स और बॉयज का रेशो 3:4 के अंदर है। तो इसमें ये बोल देगा कि इसका जो बॉयज जो गर्ल्स का है टोटल का, गर्ल्स का कितना रेशो बनेगा, कितने परसेंट में रेशो होगा गर्ल्स का। अगर गर्ल्स का दे रखा है 3, डिवाइड में करेंगे इन दोनों का टोटल तो 7 इंटू में क्या हो जाएगा हमारा परसेंटेज का नाम का 100। तो ये हमारा कैलकुलेट हो जाएगा
तो मैं इसको 5 मान लेता हूँ इजिली कट करने के लिए। तो अगर 5 टोटल है, 5 और 3 8, या इसको 2 मान लेते हैं भाई। तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 5 कंप्लीट। तो इसको कट करेंगे तो 5 2 10 0, तो 20 या 60। मैं ये बोल दूंगा कि जो मेरा 60% है वो तो लड़कियां हैं, और ऐसे ही 2 by 5 into में 100, तो ये आ जाएगा मेरा 20। 40% में हमारे क्या हैं, बॉयज हैं। ये कंसेप्ट है हमारा परसेंटेज का, परसेंटेज इसके अंदर ऐड होगी। उसके बाद अगर ये बोल देता है कि टोटल कितने परसेंट हैं, टोटल का कितना परसेंट है, अगर टोटल का रेशो पूछता है तो ये निकल जाएगा 3 by 2 into में 100, तो ये आ जाएगा हमारा 50 5 3 15, तो 150% इसका आंसर आ जाएगा टोटल रेशो हो जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा हमारा, परसेंटेज की बात कर ली, रेशो की बात कर ली, अब बात करते हैं आपकी सीआई की। तो सी आई क्या होता है और एस आई क्या होता है, इन दोनों को रिलेट करके पढ़ेंगे। ये हमारी 8.3 जो एक्सरसाइज है उसके अंदर काम आएगा। तो एस आई में क्या होगा, एस आई क्या होता है, एस आई होता है सिंपल इंटरेस्ट। ये होता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट, एस आई का मतलब होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वो होता है जब हम बैंक से कोई भी लोन बोरो करते हैं, कोई पैसा बोरो करते हैं। बोरो का मतलब होता है कि ऋण लेना, उधार लेना। अगर हम बैंक से कोई पैसा उधार लेते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक अमाउंट पे करना होता है। भाई ये बोलते हैं कि मेरे को 1000 रुपीज चाहिए 1 साल के लिए, फॉर 1 ईयर। तो बैंक क्या कहेगा कि भाई ठीक है मैं दे देता हूँ आपको 1000 रुपीज, लेकिन आपको ना मेरे को इंटरेस्ट पे करना होगा आफ्टर 1 ईयर। तो 1 साल के बाद उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट लगेगा वो हमारा क्या होता है कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। अगर मैं इसको ये बोल देता हूँ कि भाई मेरे को ये 2 साल के लिए चाहिए, तो 2 साल के लिए भी इंटरेस्ट इसमें सेम रहेगा सिंपल इंटरेस्ट के अंदर। लेकिन हमारा जो सीआई होता है कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर हमें क्या होगा कि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट देना होता है। जैसे इसमें तो क्या था, सिंपल इंटरेस्ट देना था हमें 1 साल का, तो क्या बनेगा इसके अंदर, सिंपल इंटरेस्ट ही बनेगा। उसके बाद अगर सेकंड ईयर पे आते हैं तो सेकंड ईयर में हमें क्या होगा, इसके लिए इंटरेस्ट तो पे करना ही है, साथ में इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट देना होगा, इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट पे करना होगा। तो ये हमारा जो कंसेप्ट है एस आई का और सी आई का, एस आई का फॉर्मूला रहेगा यहाँ पर पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। पी होता है प्रिंसिपल, आर होती है रेट, टी होता है टाइम, एस होता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। तो ऐसे ही अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला की बात करें तो ये होता है हमारा P1+Rate/100×T, ये हो जाएगा टाइम, ये हमारा अमाउंट होता है। अगर मैं इसके अंदर इसको सीआई में ऐड कर देता हूँ, सीआई प्लस सॉरी प्रिंसिपल प्लस में अमाउंट, तो ये मेरा सीआई आ जाएगा। तो ऐसे हमें सीआई और एसआई फाइंड करना है चैप्टर के अंदर। उसके बाद बात करते हैं आपकी लोन उसकी डिस्काउंट की। तो डिस्काउंट के बारे में भी इसमें बताया गया है आपका। तो इंटरेस्ट सॉरी जो डिस्काउंट होता है वो क्या होता है, डिस्काउंट डिस्काउंट होती है छूट। अगर मैं ये बोल दूं कि मुझे एक ड्रेस लेनी है और ड्रेस की वैल्यू है 300 रुपये, तो दुकानदार ये बोलता है कि अगर आप इस ड्रेस को लेते हैं तो आपको इस पे डिस्काउंट मिल जाएगा 20% का। तो 20% का यहां पर डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार शॉपकीपर। तो पहले तो वो चीज थी 300 रुपए की, इनके उसके लिए मुझे 100% देना था, लेकिन अब क्या करूंगा मैं उस अमाउंट के लिए 20% कम रुपए दूंगा। यानी कि पहले मैं 100% दे रहा था तो मेरे को 20% कम देना है। यानी कि 20% कम का मतलब है कि इसमें से अगर 20 को माइनस करता हूं तो ये 80% ही मेरे को पे करना है। यानी कि 300 का 20% निकाल लूँ अगर मैं, तो 20% निकाल दिया तो यानी कि
₹60 मेरे को यहाँ पर कम देने होंगे, यानी कि ₹300 की ड्रेस थी और ₹60 मेरे को कम देने होंगे, तो 300 में से अगर 60 को माइनस करूंगा तो ₹240 मेरे को वहां पर पे करने होंगे उस ड्रेस के लिए। या तो आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं बाद में माइनस करना, या फिर इसको ऐसे निकाल सकते हैं 300 का 80% डायरेक्ट निकाल दो आप, क्योंकि पहले तो क्या करना था मेरे को पे करना था 100%, लेकिन अब पे करना है मेरे को उसका 80%। अब 80% पे करना है तो इसको इससे मल्टीप्लाई करवा दो, 8 × 3 = 24, वही ₹240 यहाँ पे आ गए, वही ₹240 यहाँ पर आ गए। तो ऐसे हम डिस्काउंट को फाइंड करते हैं। तो उसके बाद देखिए इसका जो ओवरव्यू है हमारा चैप्टर का हमने ले लिया है, तो अब बात करेंगे हम हमारे चैप्टर की, जो चैप्टर 8 है कंपेयरिंग क्वांटिटीज, कंपेयर करना है क्वांटिटी को, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं एक बार आपका। तो चैप्टर 8 की हमारी 8.1, तो 8.1 का जो एग्जांपल है उसकी बात करें, अगर एग्जांपल यहाँ पर नहीं दिए गए हैं तो फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ये बोलता है कि स्पीड ऑफ ए साइकिल 15 किलोमीटर पर हावर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर पर हावर, रेशो में इसको कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 1 रेशो में कन्वर्ट करना है, दिया गया है कि साइकिल की स्पीड तो है 15 किलोमीटर पर हावर, 15 किलोमीटर पर हावर स्पीड है हमारी साइकिल की, और स्कूटी की स्पीड है हमारी जो स्कूटर है उसकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर हावर। अब साइकिल की स्पीड हमारी 15 है, स्कूटर की 30 किलोमीटर पर आवर है, तो हमें क्या करना होगा, रेशो में कन्वर्ट करना है इसको। तो रेशो क्या होगा, किस किस का, साइकिल का और स्कूटर का, तो इसको क्या करेंगे, साइकिल की जगह पे साइकिल का लिख देंगे, कितना है 15, अब स्कूटर है रेशो के बाद तो स्कूटर का लिख देंगे 30 किलोमीटर। अब इसको अगर कट करूंगा मैं तो 1:2 में हमारा क्या आ जाएगा, इसका रेशो आ जाएगा साइकिल और स्कूटर का। तो ऐसे हमें ये क्वेश्चन को निकालना था, हमारा क्वेश्चन जो फर्स्ट का ए पार्ट था ये था हमारा। अगर बी पार्ट की बात करते हैं तो बी पार्ट में ये बोल दिया इसने कि 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, अब 5 मीटर को 10 किलोमीटर के साथ रेशो में डिवाइड करना है। अब मेरे को ये पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, अगर यह मैं ये बोल देता हूँ कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो मैं इसको, ये तो मेरे पास 5 मीटर है और इसको कन्वर्ट कर दूंगा मैं किसमें, मीटर के अंदर, तो 10 को 1000 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारा ये मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको इससे काटूंगा तो 5 × 10 ये आ जाएगा मेरा 1:1000, तो ये हमारा रेशो आ गया किसका, सेकंड पार्ट का। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करें तो सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास ये दिया गया है रेशो, रेशो को परसेंटेज के अंदर हमें कन्वर्ट करना होगा, परसेंटेज में रेशो को कन्वर्ट करना होगा क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर। तो सेकंड के अंदर क्या है ये बोलता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशो टू परसेंटेज, अब परसेंटेज में निकालना है, हमें रेशो दे रखा है इसको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले, ये 3:4 है मेरे पास, तो इसको कन्वर्ट करना है 3:4 को, तो ये आ जाएगा मेरा 3 और 4 टोटल हो गया 7। अगर ये अलग अलग बोलता है कि भाई इसको 3/7 × 100, तो ये आ जाएगा मेरा 300/7%, और इसका बोलता है 4 का तो 4/7 × 100, तो ये आ जाएगा 400/7। अगर कंप्लीट का बोलता है तो कंप्लीट में क्या आएगा हमारा, तो ये 3/4 × 100, तो 4 से इसको कट कर देंगे, 4 × 8 = 2, 4 × 5 = 20, तो ये हमारा टोटल 75% होगा। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा ये, हमें इसको ये निकालना था, ठीक है। अब अगर मैं सेकंड पार्ट की बात करता हूँ तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर गुड इन मैथमेटिक्स,
तो हमें ये फाइंड करना है कि इनमें से हाउ मैनी आर नॉट गुड इन मैथमेटिक्स। तो मैथ के अंदर टोटल स्टूडेंट्स 25 हैं, 25 टोटल हैं, उनमें से 72% कैंडिडेट मैथ के अंदर इंटरेस्ट लेते हैं, वो अच्छी कंडीशन के अंदर हैं, स्टूडेंट्स आर गुड हैं, अच्छे हैं 72%। अब 25 टोटल हैं, टोटल ये कितना है 100% है। अगर ये बोलते हैं कि 72% अच्छे हैं, अगर इसमें से मैं 72 को माइनस कर देता हूँ, 10 में से 2 गया 8 और 9 में से 7 गया 2, तो 28% स्टूडेंट ऐसे हैं, 28% स्टूडेंट ऐसे हैं जो क्या करते हैं मैथ के अंदर नॉट गुड, गुड नहीं है। ये हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। अगर इसी में ये बोल दे कि भाई टोटल 25 में से 72% स्टूडेंट्स गुड हैं, तो उनकी संख्या कितनी है, वो कैंडिडेट हैं कितने जो हमारे 25 में से 72% हैं, वो कितने हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 25 का 72% यहाँ पर फाइंड कर देंगे। 25 75 25 24 100 और 4 पे ही चला जाएगा हमारा 4 3 4 8 32। तो 18 स्टूडेंट ऐसे हैं जो मैथ के अंदर अच्छे हैं। अगर 25 में से मैं 18 को माइनस कर देता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 7 स्टूडेंट। तो 7 स्टूडेंट हमारे अच्छे नहीं हैं, इनका वेटेज हमारा कितना बनेगा 28% बनेगा। तो हमें सिर्फ यहाँ तक पूछा था 28% तक, तो ये यहाँ तक हमारा आंसर आ जाएगा। अगर आगे पूछता है कि भाई गुड स्टूडेंट्स कितने थे, बैड स्टूडेंट कितने थे, तो हमने इनको भी फाइंड कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 ये बोलता है कि एक फुटबॉल टीम वोन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। मतलब कि जितने भी मैच वो खेलते हैं उनमें से विन करते हैं, जीतते हैं 10 मैच को, यानी कि 10 मैच उनमें से जीतते हैं। इफ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, अगर उनकी परसेंटेज है विनिंग की तो वो है हमारे कितनी 40% हमारी विनिंग वेटेज रहेगी आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड। इफ देयर विन परसेंटेज वाज 40 देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। तो टोटल मैच बताने हैं कि उन्होंने कितने खेले हैं, टोटल मैच कितने खेले हैं वो बताने हैं। तो देखिए अगर 40% मेरे पास 10 के इक्वल दे रखा है तो टोटल मैच होते हैं अपने आप में 100%। तो 100% क्या हो जाएगा 10/40 × 100। तो अगर इसको इससे कट करेंगे तो 4 × 25, तो टोटल उन्होंने जो मैच खेले हैं वो 25 मैच खेले हैं। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, 25 मैच वहां पर टोटल उन्होंने खेले हैं, जिनमें से 10 मैच जीते हैं और 15 मैच वो हारे हैं, 15 मैच हारे हैं। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 में है, इफ चमेली हैड रेट 600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ द मनी हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। तो अगर ये कहता है कि चमेली के पास 600 रुपए बच जाते हैं, अभी उसके पास कितने हैं 600 रुपए हैं, आफ्टर स्पेंडिंग 75%, यानी कि 75% उसने खर्च कर दिए 100 में से। अगर मैं ये मान लेता हूँ कि स्टार्टिंग में उसके पास सेलेक्ट कर लिया कि भाई 100 रुपए थे, 100 में से उसने 75% 75 रुपीज खर्च कर दिए, अब उसके पास कितने बचे, अगर 100 में से मैं 75 को माइनस करता हूँ तो 25, यानी कि 25 अभी उसके पास बचे हुए हैं, अभी उसके पास बचे हुए हैं 25। तो ऐसे में क्या करूंगा मैं, तो 600 रुपए अभी उसके पास बचे हुए हैं और 75 उसने खर्च कर दिया। अगर उसके पास स्टार्टिंग में टोटल 100% था, अभी उसके पास खर्च कर दिया उसने 75, अब 75 इसमें से माइनस करता हूँ, 10 में से 5 गया 5 2, यानी कि अभी उसके पास 25% रुपीज बचे हुए हैं और इसका वेटेज कितना है 600 रुपए।
तो 25% इज इक्वल टू 600 और 100% निकालना है तो निकाल दो 600 डिवाइड बाई 25 इंटू 100 25 से इसको कट कर देंगे 4 तो 2400 रुपये उसके पास स्टार्टिंग में अमाउंट थी। तो ये हमारा आंसर आ चुका है 5th क्वेश्चन का। अब मूव करते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो 6th क्वेश्चन में क्या कहता है, ये आप सभी के लिए होमवर्क रहेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 को। तो क्वेश्चन नंबर 6 में ये बोलता है, ये आपका होमवर्क रहेगा। तो कल के वीडियो में हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ये आपके लिए होमवर्क है। आप कमेंट में बताना, कमेंट करके बताना कि इसका आंसर क्या आया है। तो ये क्वेश्चन बोलता है कि 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट, 60% पीपल लाइक करते हैं क्रिकेट को एंड 30% लाइक करते हैं फुटबॉल को एंड द रिमेनिंग लाइक अदर गेम्स, देन व्हाट परसेंट ऑफ द पीपल लाइक अदर गेम्स। तो ये बताना है कि अदर गेम को कितने परसेंट पीपल्स लाइक करते हैं एंड इफ टोटल नंबर ऑफ पीपल्स आर 50 लाख, अगर टोटल 50 लाख पीपल हैं, टोटल पीपल हैं 50 लाख, तो ये बताना है कि फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। अब ये बताना है कि क्रिकेट को कितने लोग लाइक करते हैं, फुटबॉल को कितने लोग लाइक करते हैं और अदर गेम को कितने पीपल लाइक करते हैं अदर गेम्स को। तो इन सभी का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और फ्रेंड्स, ऐसी ही मजेदार वीडियो पाने के लिए चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि इससे नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।